फाइवर पे छुट्टी लेने का कोई खास तरीका नहीं है। पिछले वीक फाइवर ने तकरीबन सारे सेलर्स को एक नोटिफिकेशन भेजा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि जो अवेलेबिलिटी का फीचर था, जिसको आप छुट्टी लेने के लिए सेट कर देते थे कि मैं इन डेट्स पे अनअवेलेबल हूँ, उससे क्या होता था कि सबकी गिग रैंकिंग ख़राब हो जाती थी, और अगर आप एक दिन की भी छुट्टी लेते थे तो आपकी गिग गई, फिर उसको 40-50 दिन लगते थे रिकवर होने में अगर वो रैंकिंग में है। तो फाइवर कहता है जी कि हमने अवेलेबिलिटी फीचर को अपडेट कर दिया है, अब अगर आप ऑफ लेंगे, अपने आप को अनअवेलेबल सेट करेंगे फॉर सर्टन डेज, तो आपकी गिग रैंकिंग ख़राब नहीं होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इसकी बात करेंगे। तो पिछले वीक में एक नोटिफिकेशन आया तकरीबन तमाम सेलर्स को, जिसके अंदर लिखा था जी वी हर्ड योर फीडबैक एंड हैव एड्रेस द इशूज़ विद आर अवेलेबिलिटी फीचर। नंबर वन तो शुक्र है उन्होंने मान लिया कि अवेलेबिलिटी फीचर में इशूज़ हैं, उसको यूज़ करने से गिग की रैंकिंग तबाह हो जाती है। खैर उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा जी कि हमने इसको अपडेट कर दिया। तो क्या उन्होंने वाकई में अपडेट किया? अच्छा जी, तो अब अगर आप अवेलेबिलिटी का फीचर प्रोफाइल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन के नीचे सेट अवेलेबिलिटी का बटन आता है, वहां पे अगर आप क्लिक करें तो एक छोटी सी विंडो खुलती है, जिसके अंदर आप डेट्स लिखते हैं कि किस डेट से लेके किस डेट तक आप अनअवेलेबल हैं, जिसमें स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, उसमें आप अपनी रीजन भी बता सकते हैं, ऑप्शनल होती है, उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो ड्रॉप डाउन देता है कि किस वजह से आप ऑफ ले रहे हैं। उसके नीचे आप एक कस्टम मैसेज रख सकते हैं जो कि दूसरे लोगों को जाएगा, जब भी कोई बायर आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा वो कस्टम मैसेज उसको जाएगा। उसके नीचे एक चेक बटन आता है जिसका मतलब है enable new buyers of on Fiverr to contact me। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो न्यू बायर्स के इनबॉक्स आपको आते रहेंगे, और लेकिन साथ में लिख के ज़रूर आएगा कि आप फिलहाल के लिए अनअवेलेबल हैं काम के लिए, ठीक है। बहरहाल ये एटलीस्ट ये वाला जो फीचर चेक करने से ये हो जाएगा कि अब न्यू बायर्स आपको मैसेज कर सकेंगे, पहले आप अनअवेलेबल करते थे तो न्यू बायर आपको मैसेज नहीं कर सकते थे। बहरहाल आगे जैसे ही आप इसको सेट करेंगे आपको एक छोटा सा टिकट नज़र आ जाएगा जिस पर लिखा होगा यू आर अनअवेलेबल अनटिल, आगे वो डेट आ जाएगी जो भी डेट आ रही है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं या उसको सेट टू अवेलेबल कर सकते हैं कि मैं दोबारा से अवेलेबल हूँ। अब ये वाला जो मैसेज है ये क्लाइंट को इनबॉक्स में भी नजर आएगा आपको मैसेज करते हुए, वहाँ लिख के आएगा आपका नाम लिख के आएगा और साथ लिखा होगा इज अनअवेलेबल अनटिल जो भी डेट आपने सेलेक्ट की, और नीचे आपका कस्टम मैसेज भी आ रहा होगा जो भी नया बायर या पुराना बायर आपको मैसेज करेगा इनबॉक्स के अंदर। दूसरा, अब कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। नंबर वन के बायर्स अब आपको नया ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकेंगे, जब भी आपने अनअवेलेबल अपने आप को मार्क कर दिया नया ऑर्डर आपको उस वक्त नहीं प्लेस किया जा सकता, इनबॉक्स किया जा सकता है आपको अगर आपने वो इनेबल न्यू बायर्स टू कॉन्टैक्ट मी वाला बटन चेक किया था, लेकिन वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अनअवेलेबिलिटी का बैज आपकी गिग पे भी नजर आएगा, गिग के टॉप के ऊपर लिख के आ जाएगा कि दिस पर्सन इज अनअवेलेबल अनटिल जो भी डेट, और नीचे आपका कस्टम मैसेज, और बायर को ऑब्वियसली इनबॉक्स में भी नजर आएगा, और दूसरा आपकी सेलर प्रोफाइल के ऊपर भी नजर आएगा, प्रोफाइल, गिग, इनबॉक्स हर जगह नजर आएगा। अब इससे आपका रिस्पांस रेट इफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर तो आपने अपना सेट अवेलेबिलिटी को अनअवेलेबल कर दिया है तो आपका रिस्पांस रेट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने न्यू बायर्स को इनेबल किया हुआ है और आपको इनबॉक्स आ रहे हैं और आप उनको नहीं रिस्पॉन्स कर रहे तो ऑब्वियसली आपका जो है रिस्पॉन्स रेट इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो वाला फीचर यूजलेस हो गया कि आप इनेबल न्यू बायर्स यस आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैसेज आते रहें, लेकिन आपको फिर उनको टाइम पे रिप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट खराब हो जाएगा, और आपने वो वाले ऑर्डर्स डिलीवर भी करने हैं जो आपके चल रहे हैं। अवेलेबिलिटी से पहले भाई एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स का मेक श्योर करें कि उन क्लाइंट्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है और उन्हें आपने बताया हुआ कि आपका काम टाइम पे हो जाएगा, वरना अगर उसने देख लिया कि आप अनअवेलेबल हैं, उसका ऑर्डर चल रहा था, तो वो आपको रिपोर्ट करेगा या आपको ऑर्डर कैंसिल करने का कहेगा और आपकी प्रोफाइल उससे भी तबाह हो सकती है, और आपका उन एग्जिस्टिंग ऑर्डर पेजेस के ऊपर जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं उसके अंदर आपका ऑर्डर पेज रिस्पांस रेट जो है वो कैलकुलेट होगा। इस वजह से भी ये थोड़ा सा फीचर मीनिंगलेस हो गया कि जब मुझे ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर्स भी डिलीवर करने हैं और उनको रिप्लाई भी करना है तो फिर मुझे यह फीचर यूज़ करने की क्या जरूरत है, फिर मैं अवेलेबल ही रहूं। अगर आप अनअवेलेबिलिटी का फीचर यूज़ करते हैं तो आपकी सारी गिग्स एक दफ़ा तो सारी सर्च रिजल्ट से गायब हो जाएंगी। अब फाइवर कहता है जी कि वो वापस आ जाएंगी जैसे आप दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। ये बात जो है ना ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि यही पहले भी प्रॉब्लम थी, जब आप दोबारा अवेलेबल करते थे तो गिग्स गई और 40-50-60 दिन तक वापस नहीं आती थी, आप खपते रहते थे उसके ऊपर। तो वो कहता है जी अगर तो आपने 30 दिन से कम के लिए अनअवेलेबिलिटी की है तो आपकी गिग्स फ़ौरन से वापस आ जाएंगे अवेलेबिलिटी सेट करते ही, और अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा की अनअवेलेबिलिटी की है तो फिर फ़ौरन से नहीं वापस आएंगी, तब आपकी गिग्स अफेक्ट हो सकती हैं। उन्होंने कहा जी माइट बी अफेक्टेड, अब ये वर्ड आप नोट करना है आगे जाके। अब जब ये नोटिफिकेशन आया तो ये एक फोरम, फाइवर का फोरम का नोटिफिकेशन था, आप उस पर जाते हैं तो कम्युनिटी का पेज खुलता है और उसके अंदर दूसरे सेलर्स ने भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया, तो मैंने एक दो उसमें से ज़रा शॉर्टलिस्ट किए हैं। ये देखें, एक बंदा कह रहा है जी कि मैंने ये पेज देखा है लेकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही कि डिफरेंट आपने चेंज क्या किया है, क्या आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं? उसने कहा जी ऑल्सो वॉट डज योर अवेलेबिलिटी विल नॉट नेसेसरली बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड। इसका क्या मतलब है? वो कहता है जी कि इससे तो लगता है कि डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी और जैसे पहले थी तो क्या चेंज हुआ है। फिर एक बंदी कहती है जी मैंने एक दफ़ा छुट्टी ली थी जुलाई में और वो मेरा बेस्ट मंथ था, उसके बाद से
जब मैं वापस आई तो मेरी गिग जो है वो डी रैंक हो गई और मैं उस पर खपती रही और दोबारा वापस नहीं आई। ये पूरा मैसेज डाल रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा, फिर एक और बंदा कहता है जी कि मैंने कोविड के दौरान एक दफ़ा मैं बीमार हो गया था, तो मैंने अनअवेलेबिलिटी फीचर को यूज़ किया, मुझे 40 से 50 दिन लगे थे दोबारा अपनी गिग को रिकवर करने पे। तो भाई इसका मतलब है कि फाइवर ने कुछ खास अपडेट कोई नहीं किया, अनलेस कोई बंदा यूज़ करके इसको टेस्ट कर ले। मैं तो बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको टेस्ट करके अपनी प्रोफाइल की रैंकिंग तबाह करें, क्योंकि येस दिस फीचर हैड अ लॉट ऑफ बग्स। जो भी बंदा इसको यूज़ करता था, मैं पहले भी अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अनअवेलेबिलिटी का फीचर ना यूज़ करो, छुट्टी लेनी है तो कोशिश करो कम अज़ कम बायर्स को रिस्पॉन्ड करते रहो और अपने जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनको लूप में लो और न्यू ऑर्डर्स को खुद से डिनाई करते रहो। और अपनी गिग के ऊपर आप लिमिट लगा सकते हैं कि मुझे कितने ऑर्डर्स इन क्यों आए, तो उस पर लिमिट लगा के उससे आपकी रैंकिंग ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अनअवेलेबिलिटी का फीचर सेट कर दिया तो आपकी रैंकिंग डेफिनेटली तबाह होएगी। और अभी कोई क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू उनका नहीं है, अभी भी वो वेक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, माइट बी अफेक्टेड माइट नॉट बी अफेक्टेड, ये कोई क्लियर स्टैंस नहीं है इसके ऊपर। उनका एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई आज आप अपनी गिग को अनअवेलेबल करेंगे, 40 दिन बाद ऑन करेंगे, वहीं पे पड़ी होगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ख़राब हो जाएगी, और ऐसी कोई बात उन्होंने खुद से कहीं भी नहीं है। तो काइंडली ये फीचर बिल्कुल भी ना यूज़ करें। आई हाईली डू नॉट रिकमेंड यूजिंग द सेटिंग अवेलेबिलिटी फीचर ऑन फाइवर अनलेस दे मेक सम मेजर अपग्रेड्स इन इट, और अपनी लैंग्वेज के अंदर भी ये बताएं कि भाई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी। माइट नॉट बी अफेक्टेड मीन्स येस इट विल बी अफेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे। थैंक यू सो मच।